हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बेटा ठीक हो? तो हम लोग कर रहे थे चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और एक्सरसाइज 14.1। कौन सी एक्सरसाइज? 14.1। तो उसके दो क्वेश्चन जो है वो हमने कर लिए थे, आज हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है हमारे पास, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द, पहले मैं साइड पे ना टेबल बना लेती हूं, क्योंकि फिर दूसरा टेबल बनाना होगा तो जगह नहीं बचेगी मेरे पास। यहां पर मैं टेबल बना लेती हूं, ठीक है। ये बना लिया मैंने एक टेबल, डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीस, डेली पॉकेट अलाउंस, ठीक है, इन रुपीस, और वहां पे है नंबर ऑफ वर्कर्स FI। नंबर ऑफ वर्कर्स FI, ठीक है। तो 11 से 13, 13 से 15, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25, ठीक है। और वहां पे आ जाएगा 7, 6, 9, 13, 7, 6, 9, 13 F, 7, 6, 9, 13 F, 5 और 4, ठीक है, 5 और 4। ये हमारे पास टेबल है। तो क्या क्वेश्चन है? द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस, शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी, ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी, ठीक है, ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज, द मीन पॉकेट मीन पॉकेट अलाउंस इज, मीन पॉकेट अलाउंस कितना है? द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। अब कहते हैं फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F, हमें क्या फाइंड करना है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी F। तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूं पहले। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या शो कर रही है? डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। अब बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे बोलते हैं हमें पॉकेट मनी दो, है ना। हम भी जब बच्चे थे हम भी लेते थे पॉकेट मनी, तो बच्चे बोलते हैं हमें पॉकेट मनी दो। तो यही पॉकेट मनी बताई हुई है कि 11 डे, ये जो है नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पे बताए हैं और डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीस बताई हुई है, ठीक है। अब क्या है? द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। मीन जो पॉकेट अलाउंस है वह ₹18 है। देखो 1, 2, 3 नीचे है, 1, 2, 3 नीचे है, 17 और 19 बीच में आ रहा है, तो 17 और 19 के बीच में 18 आता है, तो वो क्या है?
वो मीन पॉकेट अलाउंस है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। अब यहाँ पर जो ये फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर एफ 6, 7, 6, 9, 13, लेकिन यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जिस जहां पर मैंने F लिखा हुआ है, तो हमने वहां पर क्या नंबर आना है वो फाइंड करना है। ठीक है, समझ आ गई आपको? तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले हम अपना टेबल बनाएंगे। ठीक है, यहां पर हम अपना टेबल बनाएंगे। डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीस, डेली पॉकेट अलाउंस, ठीक है, इन रुपीस, डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीस। उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स एफ आई, नंबर ऑफ वर्कर्स एफ आई। उसके बाद क्लास मार्क एक्स आई, क्या आएगा? क्लास मार्क एक्स आई। समझ आ रही है ना? डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज, नंबर ऑफ वर्कर्स, क्लास मार्क एक्स आई, फिर डी आई आ जाएगा एक्स आई माइनस ए। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा हमारा एफ आई डी आई, क्या आ जाएगा? एफ आई डी आई। तो ये हमने ऐसे बनाना है टेबल। ठीक है, समझ आ गई आपको? हमने क्या करना है, ऐसे लिखना है डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज, नंबर ऑफ वर्कर्स एफ आई, क्लास मार्क एक्स आई, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए और एफ आई डी आई। उसके बाद हम ये लिखेंगे 11 to 13, 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, ठीक है, और 23 to 25। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। उसके बाद हम लिखेंगे 7, 6, 9, यहां पर 7, 6, 9, 13, यहां पे आ जाएगा F, उसके बाद 5 और उसके बाद 4। आगे बात समझ में, कैसे हमने बनाना है टेबल। अब हमने निकालना है क्लास मार्क एक्स आई। अब देखो क्लास मार्क कैसे निकलता है, मैंने आपको बताया था 11 plus 13, 11 और 13 को हम प्लस करेंगे अपॉन 2 करेंगे, तो 11 प्लस 13 कितना होता है 24 अपॉन 2, 2 ones are 2, 2 twelves are 24। तो पहला क्लास मार्क हमारा आ गया कितना, आ गया 12, 2 सॉरी 12 नहीं है 2 है, 2 आ गया। उसी तरह 13 और 15 को करेंगे, ठीक है, अब 13 प्लस 15 कितना होता है 28/2। अच्छा वो 12 भी था, 12, 14, ठीक है, इस तरह हम दोनों, हमने दोनों को प्लस करना है 12, 14, फिर इसी तरह आ जाएगा 16, 18, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 20, 22 और 24, 20, 22 और 24। निकालने का प्रोसीजर मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये वाला एक में यहां पे लिख देती हूँ कैसे करना है आपने। 11 plus 13 upon 2 is equal to, ये बन जाएगा 24 upon 2, 2 ones are 2, 2 twelves are, तो पहला आ गया 12। इस तरह से निकालना है आपने क्लास मार्क, ठीक है, समझ आ गई ना अब यहां तक?
assumed mean. A क्या होता है? Assumed mean. तो A है हमारे पास कितना? 18. A है कितना हमारे पास? 18. समझ आ गई? A means assumed mean. तो assumed mean है हमारे पास 18. तो DI is equal to XI minus A. XI कितना है हमारे पास? 12 minus assumed mean कितना है? 18 is equal to minus 6. समझ आ गई कैसे करना है? ठीक है, अब XI है हमारे पास 14. 14 minus 18. 18 में से जब 14 निकालेंगे तो कितने आएंगे? Minus 4. Next है हमारे पास 16. 16 minus 18. 16 में से 18 में से 16 निकालेंगे तो यानी माइनस का साइन है ना, तो साइन माइनस का आएगा तो माइनस 2. 18 माइनस 18 जीरो. अब क्या हो जाएगा? एक्स आई कितना है? 20. 20 माइनस 18 अब प्लस में आ जाएगा क्योंकि प्लस वाली रकम बड़ी है, 20 है, तो 20 में से 18 माइनस किए तो आ गया 2. इसी तरह 22 माइनस 18 तो कितना आ जाएगा? 4. फिर 24 माइनस 18 तो कितना आ जाएगा? 6. देखो किस तरह से आए हैं, माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 जीरो, उसके बाद फिर ये पॉजिटिव में आ गए 2 4 6. ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? चलो एफ आई डी आई क्या है? एफ आई डी आई, एफ आई डी आई क्या होता है? ये एफ आई है, ये डी आई है. 7 6 42, यानी एफ वाई को मल्टीप्लाई करना है हमने डी आई के साथ. एफ आई है 7 इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 42. एफ आई है हमारे पास 6. 6 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 24. अगला है हमारे पास 9. 9 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 18. उसके बाद है 13. 13 इंटू 0 इज इक्वल टू 0. उसके बाद है एफ. एफ इंटू 2 इज इक्वल टू 2F. उसके बाद है हमारे पास 5. 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20. उसके बाद है हमारे पास 4. 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24. तो ये बन गया हमारा टेबल. माइनस 42 माइनस 24 ए माइनस 18 जीरो, 2F 20 और 24. ठीक है, अब हम करेंगे सिग्मा एफ आई. सिग्मा एफ आई मीन्स हमने इन सबको प्लस करना है, ये जो रकमें हैं. तो कितनी हो जाएगी? 13. 13 प्लस 7 20 प्लस 9 29 प्लस 6 25 प्लस 5 30 प्लस 4 34. यानी आगे 40. एक मिनट, पंच 13 प्लस 7 20 प्लस 9 29 प्लस 6 35. हाँ, तो ये 44 प्लस F आ जाएगा. क्या आ जाएगा? 44 प्लस F. इन सबको प्लस करने पे 44 प्लस F आ गया. फिर सिग्मा एफ आई डी आई, अब इसको करना है प्लस. अब ये जो 2F है ये तो अलग से ही रहेगा. ठीक है, तो आ जाएगा 2F माइनस 40. अगली बात समझ में. अब हमने निकालना है मीन. क्या निकालना है? मीन. मीन यानी एक्स बार. तो वो क्या हो जाएगा? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. अब निकाल लेते हैं. ठीक है, ए हमारे पास कितना है? ए हमारे पास है 18. 18 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई है 2F माइनस 40 अपॉन 44 प्लस F. आ गई समझ? इट इंप्लाइज अब इन्होंने दिया
रुपीज 18। मीन की जगह हमने लिखना है 18। मीन 18 है, एज्यूम 18 इज इक्वल टू 18 प्लस 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस f। ठीक है, अब इस 18 को हम यहां पे ले जाएंगे। ठीक है, इट इंप्लाइज 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस f। इट इंप्लाइज 18 में से 18 निकाले 0, 0 इज इक्वल टू 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस f। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। इट इंप्लाइज यहां पे लिख देती हूं 2f माइनस 40 इज इक्वल टू 0, ये इसके नीचे 1 है, ये 1 से हो रहा है, ये 0। इट इंप्लाइज 2f इज इक्वल टू 0 अपॉन 40। इट इंप्लाइज 0 प्लस 40 आएगा ना, 2f इज इक्वल टू 0 प्लस 40। इट इंप्लाइज 2f इज इक्वल टू 40। इट इंप्लाइज f इज इक्वल टू 40 अपॉन 2, 2 वन जार 2, 2 20 जार 40। तो f आ गया हमारे पास 20। f कितना आ गया? 20। ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी f थी ना हमारे पास, ये वाली, ये आ गई हमारे पास 20। कितनी आ गई? 20। यही हमने निकालना था। ठीक है, समझ आ गई आपको क्वेश्चन की अच्छी तरह? कोई मुश्किल तो नहीं है? है मुश्किल? नहीं है ना, तो देख लो आप प्रोसीजर निकालने का, तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, देख लो। अच्छी तरह देख लो इस क्वेश्चन को। चलो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 30 वुमेन वर एग्जामिन इन ए हॉस्पिटल। पहले मैं फिगर बना लेती हूं, ये टेबल बना लेती हूं सारी। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, क्या है? नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, क्या है? नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। तो वहां पर है हमारे पास नंबर ऑफ वुमेन, क्या है? नंबर ऑफ वुमेन। तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट है हमारे पास 65 टू 68 टू 71, 71 टू 74, 74 टू 80, नहीं 74 टू 77, 77 टू 80, ठीक है, और 80 टू 83, 83 टू 86। आ गई समझ? अब नंबर ऑफ वुमेन 2, 4, 3, 8, 7, 2, 4, 8, 3, 7, क्या है? 2, 4, 8, 3, 2, 4, 3, 8, 7,
3 8 7 8 7 2 4 3 8 7 और 4 2 क्या है 4 और 2। अगली बात समझ में, ये है हमारे पास, अब क्वेश्चन लिखूंगी मैं। 30 वुमेन वर एग्जामिन इन ए हॉस्पिटल, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। थर्टी वुमेन को एक हॉस्पिटल में एग्जामिन किया गया, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट कितनी थी, वर रिकॉर्डेड एज फॉलो, ठीक है। यही है ना रिकॉर्ड की हुई हार्ट बीट्स, ठीक है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट और नंबर ऑफ वुमेन। कहता 30 वुमेन पर एग्जामिन इन ए हॉस्पिटल, 30 औरतों को एक हॉस्पिटल में एग्जामिन किया गया, एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एज फॉलो, ठीक है। किस तरह से, इस तरह से इनको हार्ट बीट्स एग्जामिन की गई। फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट, फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट, ठीक है, फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन, फॉर दीज वुमेन, इन औरतों के लिए। चूजिंग ए सुटेबल मेथड, क्या है, चूजिंग ए सुटेबल मेथड, ठीक है। तो समझ आ गई आपको क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 30 वुमेन वर एग्जामिन इन ए हॉस्पिटल। 30 वुमेन यानी ये टोटल जब हम करेंगे ना तो ये 30 आएगा फ्रीक्वेंसी। 30 वुमेन वर एग्जामिन इन ए हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में 30 औरतों को एग्जामिन किया गया, एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एज फॉलो, और नंबर ऑफ हार्ट बीट्स जो है वो इस तरह से रिकॉर्ड की गई। फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन, मीन हार्ट बीट्स निकालनी है पर मिनट फॉर दीज वुमेन, चूजिंग ए सुटेबल मेथड, ठीक है, समझ आ गई आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले हम बनाएंगे अपना टेबल, क्या बनाएंगे, टेबल। अब क्या है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल के बाद आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, क्लास मार्क आ जाएंगे, और उसके बाद एफ आई एक्स आई, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो चलो 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83, उसके बाद 83 to 86, उसके बाद ले लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है,
नंबर ऑफ वुमेन यानी जो है ये हमारी फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 3, 8, 7, 4 और 2 क्या है 2, 4, 3, 8, 7, 4 और 2 समझ आ गई, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब हमने क्लास मार्क निकालने हैं, कैसे बताया था मैंने 65 प्लस 68, जैसे 65 प्लस 68 अपॉन 2 करके निकालते हैं ना, तो 65 और 68 प्लस करने के बाद क्या आया 133 अपॉन 2। अब 133 को डिवाइड करेंगे हम किसके साथ, 2 के साथ, 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 5 are 10, तो आ गया 66.5। क्या आ गया 66.5। इसी तरह आपने सबके निकालने हैं, ठीक है। दूसरे का आ जाएगा 69.5, क्योंकि यहां पर निकालते निकालते बहुत टाइम लगेगा। फिर आ जाएगा 72.5, कितना आएगा 72.5। उसके बाद आ जाएगा 75.5, नेक्स्ट आएगा 78.5, उसके बाद आएगा 81.5 और उसके बाद आ जाएगा 84.5, ठीक है, समझ आ गई। तो ये आएगा हमारे पास, उसके बाद FI XI कौन सा है और XI कौन सा है, फ्रीक्वेंसी है FI, ठीक है। ये है हमारे पास FI और ये है हमारे पास क्लास इंटरवल जो है ये XI है। अब हमें FI और XI को मल्टीप्लाई करना है, यानी 66.5 को 2 से करना है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो मैं लिख रही हूँ 133। आपने क्या करना है यहाँ पर मैं बता देती हूँ, फर्स्ट वाले में यहाँ लिख के आप लोगों ने FI XI यानी 2 × 66.5 जब आप करोगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 133। इसी तरह आप लोगों ने सबका करना है, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा लेकिन करना तो है। नेक्स्ट आएगा 278, उसके बाद आ जाएगा आपके पास 217.5, नेक्स्ट आएगा आपके पास 604, उसके बाद आएगा आपके पास 549.5, उसके बाद आएगा आपके पास 326 और उसके बाद आ जाएगा आपके पास 169, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये जो है ये बन जाएगा हमारा टेबल, हमारा हो गया कंप्लीट, समझ आ गई ना, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने σFI कर लेना है, σFI तो 30 वुमेन है ना, तो ये कितना होगा हमारे पास 30, σFI होगा 30। अब σFI XI आ जाएगा 2277 सॉल्व करने के बाद, ठीक है, समझ आ गई यहां तक। उसके बाद देखो मीन ऑफ डाटा, मीन ऑफ डाटा इज इक्वल टू σFI XI अपॉन σFI, तो वो आ जाएगा हमारे पास 2277 अपॉन 30, तो क्या आ जाएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75.9, क्या आ जाएगा 75.9, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए हैं, आप इनको अच्छी तरह जो है ये रिवाइज कर लेना घर में, ठीक है। तो नेक्स्ट आप कल करेंगे, थैंक यू।